गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं ब्रह्म रामाय नमः। ओं मातेश्वर्ये नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। कन्या राशि, अगला 45 दिन मंगल आपके ऊपर। कन्या राशि में द्वादश में सूर्य, अगला में केतु, मंगल का गोचर कन्या राशि में। ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, सीधा सीधा राशि फल पे। मंगल यहाँ पर आके दंगल करेगा। कल्पुरुष का छठा स्थान, आपके पहला घर, और आपके चंद्रमा कन्या राशि के ऊपर मंगल का आना, उग्रता को बढ़ाना, तनाव को बढ़ाना, और नो डाउट पराक्रम को भी बढ़ाएगा, आपके अंदर ऊर्जाओं को भी भराएगा, जिद्दियों को भी बढ़ाएगा, हड़बड़ी भी करवाएगा, हड़बड़ी से गड़बड़ी भी कराएगा, जल्दी से कुछ ना कुछ बोल दिए कर दिए और बाद में पछताए ये भी कराएगा। संभव तो बहुत सारे मिस्टेक गलती करा सकता है, सावधान रहना चाहिए। और कन्या राशि का कंडीशन अभी सिंह राशि में जब तक मंगल थे उतना ठीक नहीं था, पाप कर्तरी में फंसा था। एक बद्धता, एक आबद्धता, एक बंधन योग, एक प्रकार का टेंशन सा, तनाव सा, बंधा बंधा सा, एक प्रकार का बद्ध जीव सा। और जब भी कोई राशि लग्न पाप कर्तरी में रहता है तो दोषारोप करना, अनसैटिस्फेक्शन, अशांति, चिंताशीलता में वृद्धि, बाहर घूमने का इच्छा नहीं, अपने पास बैठे रहने का इच्छा, होते होते काम का रुक जाना, और मंगल और केतु जैसे दो अग्निकारक ग्रहों से पीड़ित। अब सोचिए मीन राशि वाले अगर दो राहु और शनि से पीड़ित, समभावधर्मी, कुजवत केतु और शनिवत राहु कहा गया, समगुणधर्मी दोनों उधर पीड़ित हैं और समगुणधर्मी इधर, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा खतरा है कन्या के लिए, सिंह के लिए, तुला के लिए, क्योंकि सूर्य भी अग्निकारक, मंगल भी अग्निकारक और केतु भी आसपास कुजवत गुण है, तो इस क्षेत्र में चोर चपेट एक्सीडेंट का समस्या कुछ ज़्यादा दिख रहा है। यात्राओं में सावधानी बहुत जरूरी है, और क्योंकि कन्या राशि के द्वादश में शनि का सूर्य के साथ समसप्तक दृष्टि है, तो बहुत सारे कार्य हंतारम, कार्य बनते बनते बिगड़ जाना, नहीं होना, बाधा आना भी दिख रहा है। गुप्त शत्रु निवारण ये ठीक है, गुप्त शत्रु से मुक्ति ये ठीक है, रोग रिपूरण से लड़ने का ताकत रहेगा ये ठीक है, पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन क्योंकि कन्या राशि स्वयं से पाप कर्तरी में फंस रहा है अप टू 15 दिन तक, फिर सूर्य बाबा कन्या में आ जाएंगे संक्रांति, कन्या संक्रांति के बाद, तो कुछ हद तक ये तनाव घटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये बहुत सारे अहेतुक खर्चा को दर्ज कर रहा है, नहीं चाहते हुए खर्चा, धन आना ठीक है अचानक हो भी जाए, लेकिन आपके भ्रमता के कारण, आपकी उग्रता के कारण, आपके जल्दीपन के कारण, आपके हड़बड़ी के कारण आप अपने धनों का नाश कर सकते हैं। और ऐसे भी कन्या के अष्टम स्थान पे राहु और गुरु बृहस्पति जैसे दोनों ग्रह, अष्टम में कोई भी ग्रह आ जाता है, सोचिए 2.5 दिन के लिए अष्टम में चंद्रमा जाता है तो आपका हालत पस्त हो जाता है, काम में बाधा होते होते रुक जाना, तो राहु बृहस्पति का आना, यहाँ रहना इतना दिन तक, तो नेचुरली बहुत सारे काम में बाधा होना, धन प्राप्ति में बाधा होना, आर्थिक स्थिति में बाधा होना, कर्मों के सफलता में बाधा होना, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में थोड़ा सा बाधा तो दिख रहे हैं। और इसमें समाधान यही है कि जितना ज़्यादा हो सके आध्यात्म रहें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कन्या के लिए उत्तम फलदायी रहेगा, और राहु और गुरु अगर इस समय देखिए
एक बड़ा योग है छठा का शनि, लेकिन कन्या वाले उस प्रकार का फायदा नहीं पा रहे। तो ऐसे कंडीशन में शनि शांति हेतु यज्ञ हवन जरूर करते रहें तो कन्या राशि वालों के लिए फायदा होगा। मंगल यहाँ आपके लग्न से बैठ के आपके चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि देना, भूमि भवन वाहन इत्यादि का प्राप्ति का योग भी है, क्योंकि वो अग्निकारक हाउस है और मित्र ग्रही भी बन रहा है। लेकिन यहाँ माता का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहना चाहिए। और सप्तम दृष्टि में आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर मंगल का दृष्टि, तो बहुत सारे समस्याओं का उत्पत्ति, उग्रता दाम्पत्य जीवन में भरना, वाद विवाद होना, एक दूसरे का बात को समझ नहीं पाना जैसा समस्या। कुछ क्षेत्र में अगर पारिवारिक संपर्क दाम्पत्य संपर्क ठीक नहीं है तो विच्छेदात्मक, हालांकि शॉर्ट टर्म विच्छेद देता है मंगल, बहुत लंबा नहीं देता है, लेकिन यहाँ अष्टम दृष्टि अष्टम स्थान पर राहु के ऊपर भी होना, ये बहुत कुछ बातों को उघाड़ने का भी काम कर सकता है। और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ आपका पापकर्तरी और द्वादश का रवि सूर्य और द्वितीय धन स्थान का मंगल, तो ये कहीं ना कहीं मंगल जितना जितना टुवर्ड्स केतु जाएगा उतना ज़्यादा कन्या के लिए प्रॉब्लमेबल, कन्या राशि के लिए प्रॉब्लमेबल रहेगा। और इस समय धन वाणी परिवार में आगजनी होने का संभावना, और कहीं ना कहीं चोरी और एक्सीडेंट का प्रवणता को बढ़ाना, बहुत सारे केसेस में मैं आपको सावधान कराऊंगा, जो गैस वगैरह आप खाना बनाते हो, लोहे का कढ़ाई में जो भी आप तला भुना करते हो, तो उस समय ये सारे सेफ्टी मेंटेन करें, प्लस इलेक्ट्रिक सेफ्टी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना अगला 45 दिन कन्या राशि के लिए बहुत ज़रूरी है। खाना बनाते बनाते कहीं तेल ऊपर में मुँह में छिटका, ये संभावना है। और कई सारे स्किन डिजीज़ का भी संभावना यहाँ पर बन रहा है, तो इसमें हालांकि ये टेम्प्रेरी रहेगा, लेकिन रेमेडी वही बताया, यहाँ अग्नि तत्वों को काउंटर करने के लिए हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, बलि वैश्य करना चाहिए, तभी जाके आप सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।